तैयार हो गया है छत्तीसगढ़ का रण, बिछ गई है चुनावी बिसात। क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, जानेंगे जनता के मुद्दों पर सियासी दलों की राय। देखिए डीडी डायलॉग छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात डीडी न्यूज पर। ये युद्ध हमारे अधिकार के लिए, भारत के अधिकार के लिए है, असम के अधिकार के लिए। लुक जैक्सन, लुक हाउ प्राउड योर फ्लैग फ्लाइज ऑन दिस लैंड। भाइयों और बहनों, उठा लो ये ध्वज और फहरा दो हर गांव, हर शहर, हर गली में। हम सब एक साथ कहेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम। नमस्कार। आचार संहिता लगते ही अब छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। मुख्य मुकाबला माना जा रहा है कि इस वक्त सत्ता में जो मौजूद है कांग्रेस पार्टी, उसके और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनावी दावे कर रही हैं। अब हकीकत क्या है ये तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता के बहुत सारे सवाल हैं और इसी के लिए आज हमारा ये जो मंच सजा है रायपुर में, इसमें हम उन्हीं मेहमानों के जो कि सभी पार्टियों से संबंधित है सीधे सवाल करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे उनकी हकीकत क्या है, और पिछले 15 साल जब बीत गए थे बीजेपी सरकार के, उसके दावों की हकीकत क्या थी और अब उनके नारे क्या है। इस वक्त बेहद ही खास मेहमान से शुरुआत हम अपने इस आज डीडी डायलॉग की करने वाले हों, जिनको की परिचय अगर मैं कराऊं तो उनकी मुस्कुराहट कहते हैं कि हर बात कह देती है और अपने जो विरोधी है उनको भी वो चित कर देते हैं अपनी मुस्कुराहट से। पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है रमन सिंह जी। तो आपके विरोधियों के मैं कमेंट सुन रही थी, वो पिछले चुनाव में भी थे अभी भी, कि आपके पास कोई एक बिना धार की तलवार है जिससे विरोधियों को चित करते आए हैं आप, ये कौन सी तलवार की बात करते हैं वो? आज वो युग निकल गया भाले और तलवार और तोप और तमंचे का। अब तो डायलॉग सही होते हैं और इसलिए मैं डीडी डायलॉग में आया हूँ कि जो भी होता है हमारे संवाद से ही होता है, बातचीत से ही होता है, और जनता का विश्वास जीतने का यही एक रास्ता है। डॉक्टर रमन सिंह, शुरुआत में करूँ तो आपसे कुछ 15-20 मिनट पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट उन्होंने ये कहकर किया कि भाजपा को मेरी हर चीज से एतराज है। कल एक फोटो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ जिसमें वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि आपको उससे भी एतराज है, वो गुल्ली डंडा खेलते हैं उससे भी एतराज है, कुश्ती से भी एतराज है, तो आपको बेसिकली 36 गड़ियों से एतराज है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। डॉक्टर रमन को कोई एतराज नहीं है, डॉक्टर रमन को क्यों एतराज होगा, मगर जब राजनीतिक दल अपने सबसे गंभीर मसले पर चर्चा के लिए बैठा है और प्रत्याशियों की चयन की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं उस पूरी बैठक के लिए जिसकी जवाबदारी है, ये दर्शाता है कि इस चुनाव में उनकी गंभीरता कितनी कम है। वो तो ये कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा गंभीर है कि उनको पता है कि जितने कैंडिडेट आएंगे वो सब जीत कर जाएंगे और गंभीरता बीजेपी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, और हमने तो 85 प्रत्याशियों को घोषित भी कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय स्तर में निर्णय लेके प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, लोग काम में लग गए, कांग्रेस तो अभी विचार विमर्श ही कर रहा है। डॉक्टर अमर सिंह, अब आपने सूची की क्योंकि बात की तो सूची पर आते हैं। बीजेपी, इतने समय से आप बीजेपी में रहे, आपने बीजेपी का की एक पद्धति देखी चुनाव की और टिकटों के बंटवारे की, इस बार चर्चा मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह यही है कि तीनों जगह क्या बीजेपी को जो ओपिनियन पोल या जो इंडिकेशन मिल रहे थे इसकी वजह से ये नया चलन एक तरीके से बहुत समय बाद लेकर आई कि सांसदों को, मंत्रियों को, केंद्र के नेताओं को
टिकट दिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी? देखिए, इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और जितने भी प्रत्याशी हमारे चुन के आए, चाहे वो केंद्र में मंत्री हों, सांसद हों या वरिष्ठ लोग हों, ऐसे सीरियस कैंडिडेट को उतारने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और हमारे अपने वरिष्ठ लोगों को इस चुनाव के मैदान में उतारने का प्रयास हुआ है। नहीं तो ये इसी बार क्यों हुआ, ये सवाल है ना। हर बार भी सीरियसनेस तो उसी तरह से थी, लेकिन इस बार एकदम अलग तरीके की। हर चुनाव में रणनीति बदल जाती है, रणनीति वही है जो बदलती रहती है, नीति वो है जो कॉन्स्टेंट चलता है, मगर इस बार की रणनीति जो केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया है इस प्रकार के बनाया है और इसी में माननीय अमित शाह जी महारत हासिल है। तो आपका कितने पार का इस बार का नारा है, क्योंकि भूपेश बघेल कह रहे हैं 75 पार और 75 से नीचे वो बात ही नहीं करेंगे। भूपेश के 75 पार की बात मैं सुन रहा हूँ, मगर छत्तीसगढ़ की जनता कहती है कांग्रेस इस बार बिल्कुल साफ, कांग्रेस का सफाया होने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी संख्या तो मैं नहीं, कोई ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हूँ, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके पीछे क्या वजह रहेगी? वजह है इस बड़ा साफ है कि कांग्रेस का 5 साल का कुशासन, जो दायित्व तो मिला, जो जन घोषणा पत्र जारी किया, जो वादे किए, आज वो 5 साल बाद छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि भैया भूपेश जी, टीएस सिंहदेव जी, आपने जन घोषणा पत्र में 36 बड़े बड़े वादे किए, आज जनता के पास लोग जाएंगे तो बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारा शराबबंदी का वादा, बड़ा गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर कसम खाए थे कि हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, 5 साल हो गए, घर घर पहुंचा के शराब बांटी जा रही, 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता की बात, आज नवयुवक भटक रहा है, नौकरियों की हालत खराब है, रोजगार के अवसर नहीं, मगर 10 लाख का वादा इन्होंने किया। उन्होंने बड़ा वादा किया था कि 2 साल का डॉक्टर रमन ने बोनस नहीं दिया, हम देंगे, 5 साल हो गए वो बोनस नहीं, 2 लाख कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कही थी, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ना जाने कितने वादे इन्होंने किए थे और उसके विपरीत आचरण हुआ। तो पहला तो जनता सवाल करेगी जैसे ही वो चुनाव के मैदान में जाएंगे कि जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। दूसरा, आपको सत्ता में बैठाया, सरकार में बैठाया, एक दायित्व दिया छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट का, विकास का, छत्तीसगढ़ को ऊंचाई पर ले जाने का, मगर 5 साल में हुआ क्या? छत्तीसगढ़ की पहचान क्या बनी? छत्तीसगढ़ की पहचान ईडी और सीडी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में बाकी। छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शराब घोटाला, 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला, हिंदुस्तान में 600 करोड़ का कोल का घोटाला, 525 करोड़ का पीडीएस का, 600 करोड़ का घोटाला, 5000 करोड़ का प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में घोटाला, महादेव ऐप पूरे तरीके से हजारों करोड़ रुपये का सट्टा जुआ और का मामला जो छत्तीसगढ़ में आया है, उसके तार मुख्यमंत्री के सचिवालय से कैसे जुड़े हैं, कैसे ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार छत्तीसगढ़ के सारे अपराध और अपराध की दिशा एक दिशा में जाती है, वो है मुख्यमंत्री का सचिवालय। ये जो छत्तीसगढ़ में इन्होंने 5 साल में लूटा है छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़, हिंदुस्तान में शायद कहीं भी नहीं होता होगा। राजा यदि लुटेरा हो गया, जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी है, सत्ता की चाबी है, वो यदि डकैती करने लगेगा तो फिर बचेगा क्या स्टेट में, हिंदुस्तान, क्या दुनिया में कहीं नहीं होता होगा कि सरकार के दुकान पे जहाँ पे राजस्व की प्राप्ति होती है, शराब दुकान से 40% की सीधी राशि, अवैध बिक्री यदि कहीं हो रहा है, पहले ठेकेदार बिक्री करता था, अब सरकार 40% अवैध शराब दुकानों में बिकवाती है बिना होलमार्क के, बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए, और ये पूरा पैसा एक राजनीतिक दल को जाता है। तो यदि ये खुलेआम यदि हो रहा है, इस प्रकार की भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता देख रही, जिस राज्य में आईएएस आईपीएस अधिकारी को पदस्थापना के लिए ऑक्शन होता है, ठीक है, आईपीएल की तरह ऑक्शन यदि होता है छत्तीसगढ़ में होता है, इस प्रकार की भ्रष्टाचार की यदि पराकाष्ठा में छत्तीसगढ़ में हम पहुंचे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता क्यों चुनेगी इनको? डॉक्टर
डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि आपने एक साथ कई सारी बातें की, आपने घोटालों की बात की, आपने ईडी सीबीआई की बात की और आपने शराब की बात की, शराब और शराबबंदी, शराब घोटाला। ऐसा लग रहा है 5 साल पहले जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी वो चक्र घूम करके अब यहाँ आ गया। तब उनका ये नारा था आपके बारे में कि चाउर वाले बाबा चावल भी खिलाते हैं और दारू भी पिलाते हैं, ये उन्होंने पूरा स्लोगन दिया था पूरे चुनाव जी। आज वही बात आप कह रहे हैं। तो ये शराब ऐसा मुद्दा है जिसके आरोप आप पर भी लगे और अब आरोप आप कांग्रेस पर भी लगा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में चुनाव जीतने के लिए जनता से वादा किया। उन्होंने कहा कि हम ये शराबबंदी करेंगे, 5 साल में ये लिख के दिया, जनता के बीच गए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम आंशिक शराबबंदी की ओर जाएंगे और हमने प्रयास भी किया। पहले छोटे छोटे गांव में हमने शराबबंदी का काम किया, 2000 की आबादी पे, 500 की आबादी पे, 1000 की आबादी पे, 2000 तक की आबादी में हमने शराब बंद किया और धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे। मगर कांग्रेस ने तो वादा करके झूठ बोला है। छत्तीसगढ़ की जनता को वोट लिया है कि हम शराबबंदी करेंगे, इसलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता उनसे सवाल करेगी। वो तो कह रहे हैं कि आप पूरे देश में नशाबंदी घोषित कर दीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है तो मैं भी छत्तीसगढ़ में लागू करूंगा। ड्यूटी कौन लेता है एक्साइज का? भूपेश बघेल बोल दे कि मुझे नहीं करना है और एक्साइज का पूरा डिपार्टमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर जो बना है हमारा देश का, उसमें कुछ अधिकार राज्य सरकार को है, कुछ केंद्र सरकार को है। मगर राज्य सरकार के अधिकार में है कि जो इस प्रकार के आबकारी का, एक्साइज का जो बिजनेस होता है, उसका संचालन राज्य यदि तुमसे नहीं संभल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल दो कि हम ये नहीं करते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले और इसका संचालन करे, तो ये सब ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने ईडी सीबीआई की बात करी, ये ईडी सीबीआई की जो बात है वो किसके पक्ष में जा रही है? आपके पक्ष में जा रही है, उनके पक्ष में जा रही है? नहीं, पक्ष में क्यों जाना है? किसी के पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप, यानी ईडी आता है तो जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन होता है, 30-40 अधिकारियों के ऊपर केस क्या है, अघोषित संपत्ति 150 करोड़ की जब्त की है, उसके बारे में कोई बात बताए? ये तो नहीं बताते कि हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे। ये बोलते हैं कि ईडी परेशान कर रहा है। ईडी वही परेशान करेगा जहां करप्शन होगा। करप्शन यदि आप बंद कर दोगे तो ये सब बंद हो जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह, ये पहली बार हो रहा होगा कि बीजेपी के खिलाफ इतने सारे मामले निकाल रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी पर तो कभी इस तरह के आरोप नहीं लगते थे, मतलब चिटफंड घोटाला, शराब घोटाला, नान घोटाला, गौशाला घोटाला और उसमें करोड़ों 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 इस तरह निकाल करके। इसकी सच्चाई क्या है कांग्रेस के पत्र? इनके जितने 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल में जो मामले आए वो न्यायालय में पहुंच गए, पैसे जब्त हुए, दस्तावेज जब्त हुए, कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल विपक्ष में थे, कांग्रेस विपक्ष में था, एक भी आरोप, 15 साल मुख्यमंत्री रहते एक रुपये के करप्शन का कोई आरोप डायरेक्ट यदि कोई डॉक्टर रमन के ऊपर नहीं लगा सका, इसकी वजह यह है कि कहीं भी किसी भी जांच, उन्होंने क्या क्या जांच नहीं किया, कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ तरीके से काम करती है। हमने 15 साल छत्तीसगढ़ को चलाया, हमने कोयले का आवंटन किया, हमने माइंस का आवंटन किया, हमने बड़े बड़े काम किए, मगर आज एक भी पैसे का आरोप 15 साल के कार्यकाल में कांग्रेस नहीं लगा सकी। जहां तक सवाल है नान के बारे में, आपने बताया नान का मामला, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया, सरकार ने FIR दर्ज किया, सरकार ने अपने सीनियर IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसे हमने जब्त करने का काम किया, सरकार की एजेंसी ने ही रेड किया, न्यायालय को में हमने केस प्रस्तुत कर दिया, न्यायालय में केस प्रस्तुत होने के बाद, चलान पेश होने के बाद, जब भूपेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो दो भ्रष्ट IAS अधिकारियों को बचाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी साजिश रची, SIT का गठन कर दिया। अरे भाई, यदि आपको नान घोटाले में न्यायालय तक हम पहुंच गए थे, SIT गठन करके उसको उलझाने की जरूरत क्या है?
जो भ्रष्ट अधिकारी जिनको हमने कार्रवाई किए सस्पेंड किया उनको बचाने के लिए SIT का गठन करके उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और आज वही अधिकारी नान में जिनके ऊपर आरोप लगा है वो अधिकारी उनके दाएं और बैठे सबसे बड़े सलाहकार हैं और उनके पूरे पूरे सत्ता का संचालन कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का एक भी विषय 15 साल में यदि कुछ होता, 10 साल तो मनमोहन सिंह की सरकार थी जब मैं मुख्यमंत्री था, एक भी विषय आता नहीं। उन्होंने लेकिन PM को चिट्ठी तक लिखी कि आपके खिलाफ ED और CBI की जांच होनी चाहिए, भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मैं चिट्ठियां भी लिख रहा हूँ, उस पर कोई कार्यवाही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते डॉक्टर रमन 10 साल मुख्यमंत्री रहा, एक भी कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे नहीं हुई? सिर्फ चिट्ठी लिखना इसलिए कि आप आकंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो और उसको काउंटर करने के लिए कर रहे हो, कोई भी दस्तावेज प्रमाण के सहित कोई विषय आए तो ओके ठीक है। इस मुद्दे को यहीं पर वो करते हैं क्योंकि आपने साफ बता दिया कि 15 साल में इस तरह का कोई प्रूफ नहीं था। डॉक्टर रमन सिंह, BJP का चेहरा कौन है इस बार चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का आज ही नहीं, आपको मैं याद दिला दूं 2003 में, 2008 में, 2013 में लगातार 3 बार सत्ता में हम आए, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन बना, मैं मुख्यमंत्री बना, मगर इस 15 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और उसमें 10 मिनट में निर्णय हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बार भी यही प्रक्रिया होगी। जहाँ तक सवाल हमारी बात है, हम तो सामूहिक नेतृत्व में हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, मगर कांग्रेस की क्या स्थिति है? 1 महीना पहले कांग्रेस बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े बैनर लगे थे, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे भूपेश है तो भरोसा है, आज वो भूपेश है तो भरोसा है वो निकल गया, उनके बोर्ड निकल गए, अब कांग्रेस भी कहने लगी भरोसे की सरकार, और कांग्रेस के नेतृत्व करने लगा कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो फैसला हो जाएगा। नहीं, सामूहिक नेतृत्व की परिभाषा होती क्या है, कि बहुत सारे चेहरे हैं या कंफ्यूजन है या आपस में खींचतान है, उसका मतलब होता क्या है? नहीं, सामूहिक नेतृत्व का मतलब पूरी टीम एक साथ काम करती है, हमारे जितना हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और मान लो महत्वाकांक्षी लोगों के अंदर में महत्वाकांक्षा रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सब मेहनत करते हैं और उसके अंतिम दिन फैसला हो जाता है। तो सब कुछ ठीक ठाक है पार्टी में? करीब 100% सब ठीक ठाक है और कहीं भी किसी विषय को लेकर कोई टकराव भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं। जो बनकर मेरा हम सफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क। कुछ भी तो नहीं, जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हम सफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डॉक्टर रमन सिंह, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी जो जनता के मन में है। उम्मीद है नेता कभी सवालों से पीछे भागते नहीं है और सवालों के सीधे जवाब भी देते हैं। बिल्कुल। कार्यकर्ताओं के साथ, काडर के साथ दूरी बना के रखी आपने 4 साल तक, ऐसा माना जाता है, ऐसा कह रहे हैं कार्यकर्ता कि 4 साल दिखाई नहीं दिए और चुनाव से एन पहले अचानक दिखे। मैं विधायक बना और विधायक के साथ साथ मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। विधानसभा में, विधानसभा के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश में जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती थी डॉक्टर रमन वहाँ संगठन के लिए उपलब्ध रहा, और एक विधायक के नाते प्रदेश में जो दायित्व विधानसभा के अंदर था उस दायित्व को निभा के सरकार को कटघरे में खड़े करने का जो काम हम लोगों ने 5 साल में किया उसमें हम सक्रियता के साथ हिस्सा लेते रहे। राष्ट्रीय दायित्व भी जो मिला, राष्ट्रीय संगठन ने जो भी काम करने के लिए जवाबदारी दी उसको भी मैं निभाता रहा, और छत्तीसगढ़ की जनता से इतना लगाव है कि आज भी सुबह से शाम उन्हीं लोगों से तो मिलने का काम होता है, कोई दूसरा काम डॉक्टर रमन के पास नहीं है। और 5 साल में तो लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर से सरगुजा के सभी लोगों से सीधा संपर्क रहा, सीधा संवाद रहा, कनेक्शन है, सीधा संवाद रहा जनता के साथ। दूसरी चीज जो आपका, संघ का और बीजेपी के जो दिल से जुड़े हुए मुद्दे होते थे जिनको लेकर अभी तक बीजेपी आगे बढ़ती थी, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, राम का मुद्दा हो, क्या हाईजैक किया है भूपेश बघेल ने आपके उन मुद्दों को और उनमें पैठ बनाने की कोशिश की है? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, राम का मुद्दा हो, राम पथ गमन का मुद्दा हो या राम सेतु का मुद्दा हो, जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं भूपेश बघेल उस कांग्रेस पार्टी ने अपने एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी की पूरी कांग्रेस की फिलॉसफी और कांग्रेस का विचार जत किया और उन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को इनकार कर दिया। वो राजनीतिक पार्टी जो भगवान राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती, वो राजनीतिक पार्टी जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारती है, वो राजनीतिक दल जो अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर के निर्माण का विरोध करने के लिए सामने खड़ी होती है, आज रातों रात राम नामी दुपट्टा लगा के राम भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो काल नेमी की तरह रूप बदलने से चेहरे नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, और उसका कोई प्रभाव छत्तीसगढ़ में भूपेश जी के उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूपेश जी का आचरण या कार्य पद्धति 5 साल ऐसी रही। लेकिन वो कहते हैं कि ताला तो उन्हीं की सरकार ने खुलवाया था। ताला खुलवाने की बात हुई मगर इन्होंने न्यायालय में और हर स्थान पे कांग्रेस के राजनीतिक स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में और प्रदेश स्तर में इसका विरोध किया, और भूपेश जी के राज में तो बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में ये हाल है कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा जैसे, कबीरधाम जैसे महत्वपूर्ण स्थान में भगवा ध्वज कुचला जाता है जी। कर्फ्यू पहली बार लगता है। इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति का नंगा नाच हमने देखा। बीरनपुर में जो घटना, लव जिहाद की घटना, एक संप्रदाय विशेष का आतंक और भय से हत्या हो जाती है। भिलाई की घटना छत्तीसगढ़ में हुई जहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले को चाकू से मार डाला जाता है। ये परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित कैसे हुई, क्यों हो रहा है धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक, इसके लिए जवाबदार कौन है? तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने 5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण के कुचक्र में डाल दिया। दूसरा, मैंने गाय का मुद्दा कहा, वो कह रहे हैं आप सिर्फ गाय की बात करते हैं, उन्होंने गाय को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। इनका कांग्रेस से जब सत्ता में आई तो बड़े डायलॉग उनके चलते रहे, नरवा गरवा घुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, ये भूपेश जी हर सभा में बोलते थे, नरवा गरवा घुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। अब छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे हैं चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार लबारी, कांग्रेस की ये है चार चिन्हारी। ये हालत कांग्रेस की हो गई,
ये चार पहचान बदल गई कांग्रेस की। ये जो गौठान की बात कर रहे हैं, 8,000-10,000 गौठान बना के 1,500 करोड़ खर्च करने की बात करते हैं, मैं दावा करता हूँ एक भी गौठान जहाँ गाय रहती है पूरे छत्तीसगढ़ में, 8,000 नहीं, हमने पूरे ढूंढ ढूंढ के छत्तीसगढ़ में देखा, किसी गौठान में गाय नहीं रहती। कहीं पैरे की व्यवस्था नहीं, कहीं भूसे की व्यवस्था नहीं, कहीं चारे की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं। 1,300 करोड़ खा गए, यानी लालू यादव जैसा आदमी 3 साल जेल में इसलिए रहा कि चारा घोटाला किया, उससे बड़ा काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गोबर घोटाला हो रहा है हिंदुस्तान में, यदि कहीं 300 करोड़ का तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की। मैं जनता के पास जाऊं क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके भी होंगे, अंत में सवाल, क्योंकि इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने आकर कहा और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आती है तो जातिगत जनगणना हम सबसे पहले कराएंगे, और इसको लेकर भूपेश बघेल का एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो हेड काउंट कराया है लेकिन वो योजनाओं के लिए, जबकि आप बात कर रहे हो इसको बांटने के लिए। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये 5 साल मुख्यमंत्री हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हेड काउंट कराएं, ये कराएं, योजनाओं में कराएं, मगर कोई दस्तावेज आज तक विधानसभा के पटल में रख पाए? वो कह रहे हैं मेरे कंजम्पशन के लिए, योजनाओं के लिए, मैं क्यों पब्लिक करूं उसको? ये मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो उसकी जवाबदारी पूरे समाज के प्रति होती है, वो अपनी सरकार के प्रति या अपनी पार्टी के प्रति जवाबदार नहीं होता। और जहाँ तक सवाल ये है कि यदि आप 5 साल तक घर में सोए रहे, 5 साल तक कोई कदम गंभीरता से उठाए नहीं, और चुनाव घोषणा पत्र हो के आचार संहिता लग गया तो नारे लगाते रहते हो आप, फिर यदि जनगणना जाति के आधार पर करना था तो 5 साल का पर्याप्त समय था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में। इनकी सरकार लंबे समय तक रही है, 14 तक। लेकिन आपका व्यू क्या, आपकी पार्टी का व्यू क्या है इस पर? आप लोग चाहते हैं कराने या नहीं चाहते? नहीं, चाहते हैं और वो एक साइंटिफिक तरीके से होगा, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं। करवाएंगे जी। मैं चाहूंगी अगर कोई सवाल है तो। मैं रंजीत भोसले, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। जहाँ तक एक सवाल भाजपा की लिस्ट के बारे में है, जो सूची सोशल मीडिया में पहले चल चुकी, वही सूची मुहर लग के जब आई तो कहीं ना कहीं हम पत्रकारों के बीच में ऐसा महसूस हुआ कि शायद उतनी गंभीरता नहीं ली गई, क्योंकि सूची का सेम टू सेम पहले से सोशल मीडिया पर आना एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है। वो पूछ रहे हैं कि वो जो लीक होने वाली खबर आई थी कि सूची किसने लीक की, वो मोल कौन था आखिर? आजकल पत्रकार बहुत जागरूक हो गए हैं, सभी की लीक हो रहा है, कांग्रेस की भी सूची लीक हो गई, बीजेपी की भी लीक हो गई, और संयोग से कुछ नाम मिल गए। तो वो इस प्रकार की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया बहुत जल्दी हम जो घोषित कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है बाहर समाचार चला जाए, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी कवर्धा की घटना का जिक्र किया और बीरनपुर की घटना का आपने जिक्र किया है, तो बीरनपुर की घटना के जो पीड़ित हैं और जिनके बेटे की हत्या हुई थी उस घटना में, ईश्वर साहू, उसको भारतीय जनता पार्टी ने साझा से अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्हें उम्मीदवार बना के जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? ईश्वर साहू को और ईश्वर साहू की परिवार के साथ, बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ, और बीरनपुर की घटना शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली घटना है कि इस प्रकार लव जिहाद के नाम से इस प्रकार की हत्या की गई, तो भारतीय जनता पार्टी ईश्वर साहू के परिवार के साथ है। बिल्कुल डॉक्टर अमर सिंह, और उम्मीद है कि जनता, जो आपने यहाँ मुद्दे गिनाए, खासकर भ्रष्टाचार का मुद्दा इस सरकार के खिलाफ, आपके दावों में कितना दम है जनता तय कर लेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया डीडी डायलॉग के इस खास मंच पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।